हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक और नई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, आप भी यदि ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और आप नहीं चाहते हैं कि आपको इस पॉल्यूशन की वजह से किसी तरह की एलर्जी हो या फिर किसी तरह की बीमारी हो, तो आप इससे बचने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे में पिपली जो होती है उसका सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फेफड़ों को डिटॉक्स करने यानी कि फेफड़ों को प्रदूषणकारी जहरीले तत्वों से मुक्त करने में पिपली काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। यह हमारी श्वास नली से बलगम को हटाती है, जो कि खासकर वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप इसका प्रयोग किस तरह से करें कि रोजाना रात को सोने से पहले 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून सौंठ का पाउडर के साथ आप 1/8 टी स्पून पिपली मिला लें और इसे एक चम्मच शहद के साथ गुनगुने पानी में पिलाकर पिए, तो इससे जो धूल और धुएं से होने वाले बीमारियां हैं उन्हें रोकने में बहुत ही मदद मिलती है। साथ ही ये आपको और भी कई सारी बीमारियों से भी बचा कर रखती है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको किसी तरह की बीमारियां ना हो, आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, तो आप इसका प्रयोग करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।